स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। बिहार में इस बार राजनीतिक दलों के गठबंधन का ऐसा धालमेल हुआ है कि बड़े दल बार बार यही सफाई देते नजर आ रहे हैं कि कौन से दल उनके साथ हैं और कौन से नहीं। कुछ ऐसा ही मामला एनडीए के साथ भी है। एलजेपी बिहार में एनडीए से बाहर हो गई है, लेकिन केंद्र में इसका हिस्सा बनी हुई है। वहीं बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान चिराग पासवान एनडीए सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड की आलोचना करते रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं। वहीं बीजेपी पहले इसे अनदेखा करती रही, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी देखने के बाद अब एलजेपी को लेकर बीजेपी नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पार्टी के तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश का हिस्सा है। बिहार और दिल्ली के कई बीजेपी नेताओं ने शुक्रवार को एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला और उनसे कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के समीकरण का सम्मान करते हुए उनकी तरफ से उत्पन्न किया गया भ्रम फौरन दूर करें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी एक बार फिर स्पष्ट करना चाहती है कि एलजेपी बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का नाम लेकर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि एलजेपी बिहार के चुनावों में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि बिहार में केवल चार पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। जावड़ेकर ने कहा है कि चिराग पासवान ने बिहार में एक अलग रास्ता चुना है। वह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोई बी या सी टीम नहीं है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने दावा किया कि एनडीए को बिहार के चुनावों में 3/4 बहुमत मिलेगा और चिराग की पार्टी वोट कटवा पार्टी के रूप में सामने आएगी। एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का उनको हराएंगे। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर चिराग पासवान ने बीजेपी को घेरा है। चिराग ने कहा कि अगर हम वोट कटवा हैं, तो बीजेपी ने 2014 से हमें अपने साथ क्यों रखा है। नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ऐसा बयान दे रही है, उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार सीएम बने तो एनडीए में नहीं रहूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे पिता रामविलास पासवान को बहुत सम्मान दिया, मैं पीएम के साथ हूं और उनका सम्मान करता हूं। चिराग ने कहा कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला मेरा है, हम जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। कुछ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के इशारे पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराजगी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री पर है। वहीं बिहार के प्रभारी बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री के नाम का उपयोग करके भ्रम पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम का गठबंधन है। हमारा एलजेपी के साथ न गठबंधन है, न ही वह चुनाव में एनडीए का हिस्सा है। चिराग को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, न ही भ्रमित होना चाहिए और न ही भ्रम फैलाना चाहिए। यादव ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, पासवान द्वारा एनडीए और नीतीश जी पर दिए बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी गठबंधन में रहकर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। फरवरी में वह बिहार सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन अचानक 6 महीने में क्या हो गया, अब निजी स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड की आलोचना करते रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पासवान मुख्यमंत्री के रूप में किसी बीजेपी नेता के कुर्सी संभालने की अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं और एलजेपी ने ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू और कुछ को ही बीजेपी के खिलाफ उतारा है, वह भी जब बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ मिलकर ही मैदान में उतरी है। एलजेपी के इन कदमों ने नीतीश को कमजोर करने के लिए दोनों दलों के बीच मौन सहमति बनने की अटकलों को बल दिया है। कुछ राजनीतिक हलकों में ये धारणा बनी है कि चिराग पासवान को बीजेपी का सिल है। सूत्रों का कहना है कि चिराग के सार्वजनिक बयानों से
बीजेपी और एलजेपी के बीच बनी सहमति प्रभावित हो रही है, जिससे नीतीश कुमार कहीं न कहीं नाराज हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार ऐसे में जावड़ेकर या फिर भूपेंद्र यादव के बयान पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले जेडीयू से हमारे साथ नेता मोहसिन अली जुड़ गए हैं और एलजेपी से प्रवक्ता राजेश भट्ट, आरजेडी से हमारे साथ राजेश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश अमर भी हमारे साथ आज इस खास बातचीत में शामिल हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले सवाल मेरा एलजेपी के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी आपसे है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान हमेशा ही ये कहते रहते हैं कि वो मोदी जी के प्रशंसक हैं, उनके साथ हैं और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको ही वोट कठुआ कह डाला, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपको बेहतर पता है कि हम केंद्र में भाजपा के साथ मजबूत गठबंधन के साथ स्थापित हैं। जी मीनाक्षी जी, जी बोलिए। नीतीश कुमार की, प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी की खुशी के लिए जी, अगर भाजपा के कुछ नेताओं ने उनको खुश करने के लिए एक बयान दे दिया है, उससे यह तय नहीं होगा कि लोजपा भोजकटवा है या किंग मेकर है जी। यह तो 10 तारीख को बिहार की जनता तय करेगी ना। बिल्कुल, लेकिन बिहार की जनता तो कंफ्यूज हो रही है ना, बिहार की जनता तो राजेश जी कंफ्यूज हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बनाएंगे और दूसरी तरफ बीजेपी आपको वोट कटवा कह रही है। मीनाक्षी जी, अगर हम वोट कटवा होते तो केंद्र में इतना मजबूत गठबंधन हमारा नहीं होता जी। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानित हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं जी, हम पूरे अलायंस का सम्मान करते हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय चिराग जी ने जी, कि हम माननीय यशस्वी देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आस्था है, उनकी विश्वास करते हैं, वो उनपे उनको अभिभावक मानते हैं जी। तो हमारा जब केंद्र में अलायंस है और बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार के चाल चरित्र के कारण हम साझा लड़ाई में शामिल नहीं है जी, तो क्या हम भुटकटवा कहलाने के अधिकारी हो गए जी? ये तो बिहार की आवाम, 12 करोड़ जो आवाम है वो तय करेगी ना कि कौन भुटकटवा है। वो तो 10 तारीख को चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो आप देखेंगे कि क्या निर्णय बिहार की जनता लेती है जी। भुटकटवा किसी पार्टी के कहने से भुटकटवा नहीं होता है। बिहार का जनादेश जब 10 तारीख को आएगा तो आप देखेंगे कि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे, हम भाजपा और लोजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको हम आश्वस्त करना चाहेंगे जी। बिल्कुल मोहसिन जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि राजेश जी कह रहे हैं कि आपको खुश करने के लिए बीजेपी ने ये बयान दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या आपको सच में खुश करने के लिए बयान दिया गया है? अरे तो बड़े अफसोस की बात है, अब इतना स्तर गिर गया है लोजपा का, अब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं वोट कटवा है, जबरदस्ती गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो भी अस्तित्व था थोड़ा बहुत बचा हुआ जब एनडीए में साथ थे, अब तो ये अपना अपने पिता की जो विरासत थी और उन्होंने जो काम किया था वो अब सब मट्टी में मिला दिया चिराग अली ने, चिराग पासवान ने। तो ये स्थिति हो गया है कि अब उनको कहा जा रहा हटो, नहीं हम करेंगे। अब बताइए, अब बड़ी अजीब बात है, अब तो डूब मरने की बात है, ढकनी में पानी लें और चिराग पासवान उसको खींच लें। अब ये स्थिति मोदी जी 12 तारीख को आपसे बात होगी, मोदी जी आपसे 12 तारीख को मेरी बात होगी और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने आपको किस तरह से नकारा है। राजेश जी एक एक करके, राजेश जी बोली दीजिए, मोहसिन जी बिल्कुल, मोहसिन जी 12 तारीख के चुनाव परिणाम के इंतजार आप करें, ये पता चल जाएगा कि कौन भुटकटवा है और कौन सरकार बनाने वाला है, सरकार का निर्माता कौन है। पूरे बिहार देखिए, राजेश जी मोहसिन जी एक एक करके बोलिए, बिहार की जनता को तो आप लोग कंफ्यूज कर ही रहे हैं, हमारे दर्शकों को कंफ्यूज ना करें जी। मोहसिन जी
आप एलायंस का हवाला देते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का हवाला देते हैं, आप अपने विकास के कार्यों का रिपोर्ट लेकर क्यों नहीं चुनाव में उतरते हैं? राजेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने विकास किया है, बिहार का निर्माण किया है, तो अपने विकास के कार्यों का रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? हो सकता है हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सृजन घोटाला का क्या हुआ? राजेश जी सवाल दीजिए। अरे साहब, बिहार में कोई घोटाला क्राइम करप्शन और क्रिमिनलिज्म से नीतीश कुमार समझौता के ही नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एलायंस के बराबर नीतीश जी को अगवा करने का प्रयास किया, उनकी अनदेखी इतनी की गई कि वो बिहार के साथ नाइंसाफी को प्रदान करने की स्थिति में न होते हुए 1,00,000 का उन्होंने नारा दिया है। और देख लीजिए बिहार की 12 करोड़ आज हमारे राजेश जी के साथ। राजेश जी एक एक करके बात रखिए, मोहसिन जी को बोलने दीजिए। मोहसिन जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जो भी आपकी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये समझिए कि जब चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तब आप ही के मंत्री तो गए थे भाजपा को ये कहने की मनाने के लिए एलजेपी को, और अब आप कह रहे हैं, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं एलजेपी पे। देखिए, ना बीजेपी की तरफ से कोई इंडिकेशन मिला था कि आपको अलग लड़ना है, ना कुछ। ये अपना क्या सोचे थे कि केंद्र में मंत्री बनना था, कि क्या डिप्टी सीएम का सपना देख रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी से कोई उनको डायरेक्शन नहीं मिला, और अपने मन से जो है सपना देखने लगे मुंगेरी लाल का कि हम जो लोजपा बीजेपी मिलकर के सरकार बनाएगी। आज वही बीजेपी जो है उनको कहा गया वो कटवाए हटो, तुमको कब कहा कि अलग रहने को? ये गठबंधन का नियम कानून होता है, उससे हटकर के ये काम कर रहे हैं, अपनी इज्जत डुबा दिया इन्होंने। इनको तो हमको लगता है कि एक सीट भी आना मुश्किल है, और जैसे एकदम जो है एक सीट भी आ जाए तो बहुत है। जी मोहसिन जी, 10 तारीख को फिर से मेरी बात होगी आपसे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ बिहार की जनता आपको पूरी तरह नकार रही है इस चुनाव में। बिल्कुल, 10 तारीख को तो जनता का जो वो होगा रिपोर्ट, वो ही बता देगी कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। हम बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब मेरा सवाल आरजेडी नेता राजेश यादव से है। राजेश जी, एलजेपी और बीजेपी के बीच तो ये विवाद छिड़ा हुआ है, इसमें आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? आपको इस जो विवाद दोनों के बीच चल रहा है, इसमें आपको अपना फायदा नजर आ रहा है? नहीं, ये जो भाजपा जो है, एक कहावत है हम लोग यहाँ, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज। जी, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज। तो ये भारतीय जनता पार्टी का और जदयू का दोनों का यही जी कहानी है, कब किसके बारे में क्या बोल देंगे। जी, अमित शाह जी अभी बोल रहे हैं, या माननीय अमित शाह जी ने कहा कि वोट कटवा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, तो एक भुटकटवा कह करके पूरे बिहार के दलित समाज को इन्होंने अपमानित करने का काम किया, विशेषकर पासवान जाति को, या दलित समाज जो है उसको इन लोग अपमानित करेंगे, और इनको कहा जाए वो उल्टा बोलते हैं अमित शाह जी। कटवा तो है आपका सन ऑफ बुला वीआईपी पार्टी मांझी जी, ये बराबर उल्टा बोलते हैं। अमित शाह जी जब जिसको हराना रहता है तो उसके बारे में वो बहुत तारीफ गलत ढंग से दूसरे पर आरोप लगाते हैं। झारखंड में भी यही किए थे ये। तो इस तरह का ये लोग दलित के प्रति उनकी तो आस्था रहा ही नहीं, अपने अनुसार ये दलित को लेते हैं, और जब दलित से काम निकल जाता है, पिछड़ा से इनका काम निकल जाता है तो उसको निकाल जाए। आपको याद होगा जब मायावती जी का गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ, अढ़ाई साल का जब हुआ, अढ़ाई साल ही रहेंगी मायावती, अढ़ाई साल भाजपा, जब भाजपा की बारी आई और मायावती जी, तो भाजपा ने मायावती जी को पार्टी को तोड़ने लगा, और उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जी कि दलित समाज के लोग मक्खी में, दूध में जब मक्खी गिर जाता है तो उस दूध की तरह फेंक दिया जाता, उसी तरह मायावती को उन्होंने कहा था। आज उसी तरह ये चिराग पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं। इसी तरह से आने वाले दिन में मलाह जो है, आपका सनो मलाह जो वीआईपी पार्टी का, एक चुनाव के बाद उसको भी उसी तरह से फेंक देंगे, कहेंगे कि तो हमारा वोट कटवा था, ये जीतन जी को भी उसी तरह से कर देंगे। बिल्कुल राजेश जी, ये बताइए कि नहीं, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, तो चिराग पासवान जी के खड़ा होने से किनको नुकसान है क्या नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल को कतई कोई नुकसान नहीं है, और नहीं उनसे, एक पार्टी उनकी है, पार्टी वो निर्णय दिए हैं,
हम लोग कहें कि जदयू भाजपा वोट कटवा है। जदयू जो है भारतीय जनता पार्टी निशाना जदयू पर साध रही है, भारतीय संघ के जो लोग हैं और तो चिराग पासवान के साथ हैं, संघ के जो नेता हैं वो चिराग पासवान के साथ, संघ के कार्यकर्ता हैं चिराग पासवान, ये दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी का जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से वो चिराग पासवान को कर रहे हैं, लेकिन दिखलाने के लिए नीतीश कुमार को भी इस बार धोखा दे रहे हैं इन लोग, पिछड़े का वो लोग नहीं चाहते हैं कि जहाँ बिहार में, इसलिए एक पिछड़ा और दलित ये कह करके पूरे दलित समाज को, झारखंड है बिहार के पूरे दलित समाज को, पूरे देश के दलित समाज को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। जो दलित का लगता यदि आ जाएगा आगे तो भोटकटवा हो जाएगा, और अमित शाह और ये सारे लोग हैं भूपेंद्र यादव जी जो हैं, इनका क्या है बिहार में, इनका औकात क्या है, भूपेंद्र यादव जी का वोट है क्या, ये बोलते हैं बिहार में आन करके, ये बिहार में तो समाजवादी ताकतों के हाथों कठपुतली बनकर भूपेंद्र यादव जी घूम रहे हैं, तो ये सारे लोग हैं और इस तरह की बकवास बात कर रहे हैं, हार रही है भारतीय जनता पार्टी जी। राजेश जी आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस नीतीश कुमार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का एंटी इनकम्बेंसी जिसका फायदा आप लेना चाह रहे थे, अब आपको डर लग रहा है कि एलजेपी इसका फायदा ले जाएगी? नहीं नहीं, हमको एलजेपी नहीं, नीतीश कुमार जैसा भ्रष्ट कोई है नहीं है, नीतीश कुमार जैसा भ्रष्ट क्यों होता है, नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचार में लिप्त कोई दूसरा है ही नहीं है, सृजन घोटाला के नाम क्यों नहीं करवाते हैं, अमित शाह जी की मंत्री हैं, उन्होंने सृजन घोटाला के नाम, सृजन घोटाला के आड़ में, सृजन घोटाला के दबाव में कि आप मेरे साथ आ जाओ न तो जेल में जाओगे, और नीतीश कुमार जेल में जाने के डर से सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर कांड, शेल्टर होम का कांड, ये जी राजेश जी बिल्कुल समय की कमी है और इसीलिए सभी से बात करना जरूरी है, ऐसे में ब्रजेश ये लोग पिछड़ा दलित कह करके सत्ता में आएंगे और सत्ता तो जैसी जमीन के साथ भेज जाएगा तो उसको अपमानित करने का काम करेंगे। ठीक है, ये किसने किसको अपमानित किया है ये बिहार की जनता आपको जल्दी ही बता देगी, लेकिन इस बीच वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी। ब्रजेश जी देखिए, ये लगातार बयानबाजी जारी है चुनाव को लेकर, अब ऐसे में आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या लगता है जो सामने चल रहा है यही सही है या पीछे पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? देखिए, ये भाजपा और लोजपा को लेकर जो स्थितियां बन रही है और दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, हम एक आम जनता और एक पत्रकार की हैसियत से अगर देखें तो हम ये मानते हैं कि जहां से हम लोग सोचना बंद करते हैं ये राजनीतिक दल वहां से सोचना शुरू करते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ लोजपा लगातार मोदी को अपना चेहरा अपना नेता बना रही है और प्रदेश भाजपा के नेता लगातार खंडन कर रहे हैं, और अभी हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें सीएम नीतीश कुमार को आना था, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये इस शर्त पर आए कि वहां पर यह साफ कहा जाएगा कि लोजपा से भाजपा का कोई संबंध नहीं है जी। ये हुआ भी, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि लोजपा की ओर से चिराग पासवान हो या और उनके सूरजभान नेता, आज उनका भी बयान आया है, लगातार वे कह रहे हैं कि हम लोग का साथ रहेगा, हम लोग चुनाव में आगे आएंगे, और जनता समझ में नहीं आ रही है कि इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। केंद्र में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोजपा ये गठबंधन के साथ है कि नहीं है, और इस असमंजस में ये बयानबाजी हो रहा है, और हमको तो लगता है कि चुनाव के बाद कुछ न कुछ जरूर इन लोग के बीच खिचड़ी पकेगा। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन सबके बीच आप आरजेडी की स्थिति कहाँ देखते हैं, आरजेडी को कैसे देख रहे हैं, क्या ये जो एलजेपी और बीजेपी के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, बयानबाजी जारी है, इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा? जी जरूर, आरजेडी नीतीश कुमार ने ये बंधन बनाकर कि आप स्पष्ट कीजिए और लोजपा के लगातार मोदी को अपना नेता और चेहरा बताने के बाद निश्चित रूप से ये आपसी जो मतभेद है इसका असर कहीं ना कहीं आरजेडी को मिल सकता है। हालांकि भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि अपने ऊपर लगे मुहर जो है लोजपा चिराग पासवान के साथ जो अनुभवी बात चल रही है, ये जनता के बीच मैसेज है कहीं ना कहीं कि भाजपा और इनका गठबंधन है इंटरनल और चुनाव के बाद, मतलब ये अफवाह भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि सही है, तो इसका असर जरूर जनता भी भ्रमित होगी
और इसका उसका बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आरजेडी को इससे फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी। मोहसिन जी आपके पास चलेंगे, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आज आप ये कह रहे हैं कि एलजेपी के चले जाने से कोई नुकसान नहीं है, आप खूब आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहते थे कि एलजेपी भी गठबंधन का हिस्सा रहे? आपको डर नहीं है, क्योंकि एलजेपी के जो मुखिया हैं चिराग पासवान साफ साफ कह चुके हैं कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन उन जगहों से भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां से जेडीयू के प्रत्याशी उतर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है आपकी सीटें कटेंगी? जी हेलो जी मोहसिन जी, हेलो जी मोहसिन जी, आवाज आ रही है? हम लोगों ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं था, इतने मजे से चल रही थी गठबंधन की सरकार जी इतने दिनों से, लेकिन एक बैठ पता नहीं क्या शैतानी हरकत इसको कहिए, अफसोस है हम लोग के साथ रहते आज तो आज जो है एनडीए की सरकार कल होकर के बनती और इनको भी जो है उस हिसाब से उनको स्थान भी मिलता उनके पार्टी के लोगों को भी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है किस लालच में पड़ गए और इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। लेकिन अब जो हम लोगों का जो गठबंधन इतना स्ट्रांग है कि वीआईपी हम और बीजेपी और जदयू का जो है पूरे बिहार के लोग अब समझ चुके हैं इन लोगों की हरकत को, इन लोगों को तो बताया ना कि इनके कास्ट का वोट अब इनको नहीं पड़ेगा, ये स्थिति हो गई इनकी, क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं। आज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी ने अब तो दलित महादलित के लिए इतना काम किया, इतना शिक्षा शिक्षित हो गए हैं कि अब जो है चिराग पासवान की एक एक चाल को लोग समझ गया है और जो पहला चरण का बिहार में इलेक्शन हो रहा है 28 तारीख को, उसी दिन जो है उन लोगों को अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि कितनी बड़ी गलती, क्योंकि हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, इन्होंने अपने दिमाग में क्या खुराफात घुसा, क्या सपना देख लिया। और वो और बड़े अफसोस की बात है, मैं तो बड़ा मैच्योर समझ रहा था चिराग साहब को, लेकिन अफसोस है कि आज वो हम लोगों के साथ नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में चल रहे बयानबाजी पर, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। और अब मेरा सवाल राजेश भट्ट जी आपसे है कि बीजेपी ने आपको वोट कटुआ कह दिया, अभी मोहसिन अली जी ने कहा कि आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, कहीं अब आपको भी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया? राजेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? पहुंच रही है। जी देखिए मीनाक्षी जी, रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक और अभिभावक का बिहार के लिए सपना था कि हर किसानों के फसल का लागत मूल्य का वाजिब हक मिले, बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार मिले, मजदूरों का पलायन प्रदेश से रुके और स्वाभिमान से बिहार 12 करोड़ अवाम बिहार अपने को बिहारी कहने पर गर्व महसूस करें। जी उसी सपने को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दिवंगत पिता के इशारों को समझा और उनके आदेश को मानते हुए इन्होंने बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। जी और मोहसिन जी को अफसोस अगर हो रहा है तो अफसोस को अफसोस का आगाज हुआ है, 10 तारीख को ये अफसोस अंजाम में बदलने वाला है। जी नीतीश प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं, उन्होंने अगड़ी पिछड़ी दलित महादलित पिछड़ा वर्ग करके इस तरह से बिहार की जनता को आपस में लड़ाने और भरवाने का काम किया है कि 15 सालों में अब बिहार की जनता उनसे त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गई है। और इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि 10 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं, बिहार की जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार को नकार देगी। जी और हम भाजपा के साथ केंद्र में हैं, नीतीश कुमार जी के तरह हमेशा पाला बदलते नहीं है, हम जिनके साथ होते हैं बराबर साथ रहने का संकल्प लेते हैं। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरी तरह आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम लोग अलायंस का सम्मान करते हैं, नीतीश कुमार जी की तरह अवसरवादिता की राजनीति करने के पक्ष पर हम लोग नहीं। जी नीतीश कुमार जी का जो भ्रम है, 15 सालों का जो भ्रम जाल है,
इनका सारी योजनाएं आज लूट का पिटारा भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए स्पष्ट दिख रहा है। सीए जी की कई रिपोर्टें उस तैयार हुई है। आप सृजन घोटाले की बात कीजिए, बुडको घोटाले की बात कीजिए, घोटालों से त्रस्त सरकार हो गई है और जनता त्राही माम है बिहार की। नीतीश कुमार जी अगर विकास किए हैं बिहार में तो विकास का रिपोर्ट और दस्तावेज जारी करना चाहिए था और विकास के मुद्दे पर इन्हें चुनाव में उतरना चाहिए था। ये नरेंद्र मोदी जी के नाम लेकर साफ सुथरी उनकी छवि के सहारे बिहार के चुनाव की बैतरणी जो पार करने का सपना देख रहे हैं, ये सपना उनका इस बात पूरा नहीं होने वाला है। बिहार की 12 करोड़ आवाम ने यह निश्चय कर लिया है कि उनके साथ निश्चय योजना की इस बार हवा निकाल देंगे। जी बिल्कुल राजेश जी, अब सवाल आपसे है मेरा कि क्या प्लान है आगे के चुनाव के लिए, किस प्लान के साथ तेजस्वी यादव की टीम और उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है? हमारा योजना है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का, वो स्पष्ट है। हम सरकार बनाने के लिए और राज्य की जनता को बेरोजगारी से मुक्त कराने, बेरोजगारों को मुक्त कराने के लिए, राज्य की जनता को राहत देने के लिए, राज्य में जो पलायन है उसको रोकने के लिए, राज्य में जो बाढ़ की समस्या है उसको रोकने के लिए पूरे प्लान बता दिया बिहार की जनता को। और बिहार की जनता 11-12 करोड़ जनता को लेकर जा रहे हैं, हमारा संकल्प ले लिया है भारतीय जनता पार्टी को और जदयू को हरा। इसलिए ये लोग गड़बड़ी में ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं और तरह तरह के डाले। अब चिराग पासवान को बारे में कोरोना काल में बिहार के चिराग पासवान उनके साथ कल तक इनके साथ थे, कल इनके यहाँ जा रहे थे कि हमारे साथ रहिए, आज उनको वोट कटवा कर रहे हैं। कल वो जितना मांझी जी को कहेंगे, फिर बोलेंगे मुकेश साहनी जी को बोलेंगे, ये लोग तो जरूरत पड़ने पर अपने साथ रखते हैं दलित को पिछड़ा को और उसके बाद तो उसको अपमानित करते हैं। ये इनका इतिहास है भारतीय जनता पार्टी को, जमीन का इतिहास है, जमीन के साथ नेता कौन है? नरवन सिंह ने आरजी के कौन है इनके साथ? जी मोहसिन जी तो बोल रहे हैं भाई, मोहसिन जी आप अपने समाज के क्या और मजदूरों को बिहार आने से रोका है? जी माननीय नीतीश कुमार जी को उन मजदूरों को जवाब देना होगा। पिछले बाढ़ की स्थिति में वो 2 महीने करीब करीब अपने घर से निकलने का काम नहीं किया, तो जब पटना जलमग्न था, राजधानी पटना त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई थी, आपके मुख्यमंत्री निकले थे क्या? आज के मुख्यमंत्री बाढ़ में गए थे क्या? अरे नीतीश जी गए थे क्या? सुशील मोदी जी को भाग गए थे हाफ पैंट पहन के, सुशील मोदी जी हाफ पैंट पहन के भाग गए थे पूरे परिवार, सारे लोग देखा है। सुशील मोदी जी बाढ़ में अपने परिवार के साथ हाफ पैंट पहन के भाग रहे थे, आप सुशील मोदी जी क्या बोले थे ये तो याद दीजिए। मोहसिन जी, नीतीश जी ने सबको ठगा, आपको भी ठगा है नीतीश जी ने, मोहसिन जी को भी ठगा है, मोहसिन जी आपको भी ठगे हैं, उनको भी जो है याद दीजिए। कोई बच्चा नहीं, सबको एक नजर से देखा नीचे, उसको जी ने आपको भी ठगा है। आपको पूरा खाली बिहार में नहीं होता है, दिखला करके आपको बिहार इस नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी जी को ठगने का काम किया जा रहा है। सुशील मोदी जी ने बोला है, जो किसान है सुशील मोदी जी ने बोला है कि हमने ठगने का काम किया, और जो सारे मोदी जी को ठगने का काम किया, आज 10-15 से 20 लाख उनको नौकरी दी जा रही है। सुशील मोदी जी से पूछिए ना नीतीश जी किसके ऊपर ठगे हैं, स्वार्थ के लिए एक को जाना। जी राजेश जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, देखिए दर्शकों को कंफ्यूज मत करिए आप। नियत और नीति ठीक नहीं हो, नियत बदलते रहे, नीति बदलते रहे, वो राज्य देखिए राजेश जी, एक एक करके बोलिए, दर्शकों को कंफ्यूज ना करें और अपनी अपने बारे में बताएं। एक दूसरे के बारे में बताने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताएं, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। मोहसिन जी बता रहे हैं, मोहसिन जी बता रहे हैं, अपना अपना पक्ष रखें। बाढ़ में तो नीतीश जी कहाँ थे? बाढ़ में कहाँ थे ये तो बताइए नीतीश जी। 15 साल के जवाब तो दें, 15 साल क्या किए, 15 साल किए
राजेश जी एक एक करके देखिए, राजेश जी राजेश जी एक एक करके बोलिए सबसे। देखिए दर्शकों कंफ्यूज मत करिए ब्रजेश जी, चलिए ब्रजेश जी अब आपसे सवाल ये है कि देखिए लगातार जो बयानबाजी जारी है, ऐसे में कैसे देखते हैं बिहार चुनाव को, क्या नतीजा आ सकता है, किस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा? देखिए भाजपा और एलजेपी का जो झगड़ा चल रहा है जी, अभी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या आरजेडी को इसको लाभ होगा जी। भाजपा और एलजेपी के झगड़ा से आरजेडी को लाभ हो न हो, एलजेपी को घाटा जरूर होगा और इसका असर भाजपा पर भी पड़ेगा निश्चित रूप से। तो ये जो अभी तक जो लग रहा था कि सीटों का ये लोग सीट का तालमेल कर लिया और बहुत अच्छा से चुनाव लड़ रहा है, सबके बीच सहमति हो गई और महागठबंधन में आपस में फूट था, ये निकल रहा था वो निकल रहा था जी। तो चुनाव के इन वक्त पर एलजेपी का बाहर जाना और लगातार बयानबाजी होना नेताओं का, तो निश्चित रूप से एनडीए पर इसका असर पड़ेगा और इसका चुनाव में मतदाता भ्रमित होंगे कि आखिर इन लोग का क्या रणनीति है, पता नहीं एलजेपी के साथ रहेंगे अलग हो जाएंगे, तो दिग्भ्रमित तो जरूर ये एलजेपी के कारण हुआ है जी। और इसका असर एनडीए पर पड़ेगा जी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं बिहार से जुड़े मुद्दे पर। तो देखिए अब मेरा सवाल राजेश भट्ट जी आपसे है, क्योंकि पूरा विवाद ही आपकी और बीजेपी के बीच में चल रहा है, ऐसे में अब एलजेपी किस तरह आगे बढ़ने वाली है और क्या कुछ प्लान है एलजेपी का? क्योंकि देखिए आपको तो अब तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए भी मना कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के, और अब आपको वोट कटुआ भी कहा जा रहा है, ऐसे में अब आपकी क्या रणनीति है आगे के लिए? देखिए वोट कटवा कोई पार्टी नहीं तय करती है, बिहार की आवाम तय करेगी। 10 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर विकास पुरुष कहलाते हैं और विकास का अपना मॉडल बताते हैं दुनिया में, तो विकास के नाम पर उनको वोट मांगना चाहिए। सात निश्चय उनका पूरा लूट और भ्रष्टाचार का पिटारा साबित हुआ है, कैयद घोटाले हुए हैं, सेंटर कांड, मुजफ्फरपुर बालिका कांड जी, सृजन घोटाला, कैयद घोटाले हैं जिसका जवाब देंगे नीतीश कुमार। बिहार की आवाम उनसे पूछना चाह रही है, नीतीश कुमार अगर विकास पुरुष का दम भरते हैं तो उनको विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर वैतरणी बिहार का पार नहीं होगा जी। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, हम उनके साथ मजबूती के साथ गठबंधन में है केंद्र में, और बिहार में भी गठबंधन की सरकार हमारी बनने जाएगी 10 तारीख के बाद। और बिल्कुल, लेकिन राजेश जी राजेश जी जनता 15 सालों में नीतीश कुमार को अच्छी तरह जांच लिया है, परख लिया है और वो जान गया है कि ये भरमाने और लड़ाने के सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं जी। बिहार की जनता अब त्राहिमाम की स्थिति में, विकास चाहती है, हर आप को रोजगार चाहती है, मजदूरों का पलायन रोकना चाहती है, बेहतर स्वास्थ्य चाहती है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था चाहती है। बिहार के युवा आज बेरोजगारी के आलम से गुजर रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है जी। नीतीश कुमार को इस चुनाव में इन सारे मुद्दों पर जवाब देना होगा बिहार की जनता को। बिहार की जनता उन्हें नकार रही है जी। मुद्दों से भटकाने के लिए और मुद्दों से भरमाने के लिए नीतीश कुमार जी ने ये सब अटकंडा अपनाया है जी। राजेश जी चिराग पासवान ने कहा है बिल्कुल, राजेश जी पूरी तरह मजबूती से बने हुए हैं नीतीश कुमार की तरफ। राजेश जी सवाल सुन लीजिए, राजेश जी मैं ये कह रही हूँ कि चिराग पासवान ने कहा है कि अगर एनडीए के गठबंधन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो एनडीए से अलग मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं बनाएगी, तो क्या ऐसे में अगर संभावना नजर आती है तो क्या आरजेडी के साथ भविष्य में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हो सकता है? नहीं, हमारे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नीतीश कुमार के कार्यों में पूरी असहमति जाहिर कर दी है। नहीं जी बोलिए, बिहार की आवाम ये तय करेगी कि हम किसके साथ सरकार बनाए। नीतीश कुमार जी अलायंस में रहकर अगर उतना सीट ला पाएंगे तब तो सरकार बनाएंगे जी। बिहार की जनता उन्हें पूरे
तरह से खारिज करने जा रही है इस चुनाव में। अच्छा, तो क्या लगता है 143 सीटों पर, 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जा रही है लोजपा, क्या लगता है कितने सीटों पर आपके उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे? हमारे मोहसिन भाई क्यों नहीं अपना विकास रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कितना विकास बिहार में कर दिए हैं, तो उनको करना चाहिए, कौन मना किया है? विकास के मुद्दों पे क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? तो ये भी बता दीजिए राजेश जी कि क्या लगता है 143 सीटों पर, 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, कितनी सीटें जीतेगी एलजेपी? माननीय रामविलास जी ने जिन सिद्धांतों को, जिन नीतियों को, जी 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 राजेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लगातार दावा कर रहे हैं कि लोजपा अच्छी सीटों पर जीतेगी जो भी होगा, लेकिन ये बताइए क्योंकि 143 सीटों पर चुनाव में उतरने जा रहे हैं आप लोग, कितनी सीटें जीत कर आएगी लोजपा? लोकसभा की तरह जो मेरा स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। मीनाक्षी जी, आप भरोसा रखें, अगले 10 तारीख को हमारी सरकार भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बिहार को देने जा रही है, और अब बिहार की जनता कुछ शांति और सुकून और हक और हुकूक के लिए आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, शांति व्यवस्था कायम रहे जी, सात निश्चय की तरह कोई अगली लूप की योजना ना बने जी। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब आप चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे में अब लोजपा किसके तस्वीर के साथ, किसके चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी? मंत्री के आगर को देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान की कोई राजनीतिक पार्टी अपना प्रतिनिधि मान बैठ सकता है, ये उनकी गलतफहमी हो सकती है। हम उनके साथ मजबूत गठबंधन में केंद्र सरकार में है, और उनके सिद्धांतों को, कार्यों को, नीतियों को अगर हम अपने साथ प्रचारित करेंगे तो उसमें किसी को भी कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जी। चलिए ब्रजेश जी, आपसे सवाल है क्योंकि देखिए लगातार बयानबाजी जारी है, कोई अपनी बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने को सब तैयार हैं, ऐसे में ये तो साफ है कि चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, बिहार में एक राजनीतिक जो परिदृश्य बन रहा है वो घटपट की स्थिति है जी। अब आप सुन रही है कि एक तरफ भाजपा कह रहा है कि प्रधानमंत्री का आप नाम का चित्र का इस्तेमाल नहीं कीजिए, लोजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री किसी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं एलजेपी हमारे साथ नहीं रहे, ये एनडीए में है, महागठबंधन में आप देखिए तो मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस अभी कह रही है कि हम लोग मिल बैठ के बाद में तय करेंगे, आरजेडी कह रही है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन और एनडीए के जो लोग पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा हैं वो अलग अलग अपना दफली राग अपना रहे हैं जी। तो इस स्थिति में ये बिल्कुल घटपट है, और ये जो पॉलिटिकल पंडित है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये राजनीतिक दल आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। हम समझते हैं कि जब पहला या दूसरा चरण का मतदान हो जाएगा तब सभी राजनीतिक दल तय करेंगे कि आखिर हम क्या करें, और उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा। सब अभी अपनी डफली अपनी राग वाली कहावत है, सब अलाप रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा गिराने के प्रयास में है। तो हमको लगता है कि बिहार में सब कुछ परिदृश्य जो है दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये नेता और ये राजनीतिक दल आखिर चाहते क्या है। मतदाता भी बिल्कुल कंफ्यूज है, ना महागठबंधन में स्थिति स्पष्ट है, ना एनडीए में। जी मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका और तमाम मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में, और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारी स्पेशल एडिशन में बस इतना ही, आप देखते रहिए एपीएन।